Hello, student. Today I am going to solve NIS 320 Accountancy Question Paper of November December 2021. This question paper consists of 32 questions. Maximum marks is 100 and passing marks is 30. Time duration is 3 hours. All questions from Section A are compulsory. Attempt only one option from Section B. See link at description for February 2021. Solved Question Paper of 320 Accountancy. सेक्शन ए वन ग्रॉस प्रॉफिट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट टू बी क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सकल लाभ व्यापार खाते से हस्तांतरित किया जाता है बी लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में टू लॉस ऑन रिवेल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज इज़ डेबिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स परिसंपत्तियों के पुनः मूल्यांकन तथा देयताओं के पुनर्निर्धारण की हानि की खतौनी निम्न में से किसके खाते नाम पक्ष में की जाती है ए साझेदार के पूंजी खाते थ्री ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अफॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ थ्री इज टू वन इज टू वन डी वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर वन बाई फिफ्थ शेयर इन द प्रॉफिट डी ब्राउट रुपीज़ ट्वेंटी थाउजेंड एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम क्रेडिटेड टू सीज अकाउंट विल बी सी रुपीज़ फोर थाउजेंड ए बी तथा सी एक फर्म के साझेदार थे तथा तीन एक एक के अनुपात में लाभ हानि बांटते थे डी को लाभों में एक बटा पाँच के लिए एक नया साझेदार बनाया गया डी ख्याति प्रीमियम के अपने भाग के लिए रुपया बीस हज़ार लाया सी के खाते के जमा पक्ष में खतौनी की जाने वाली ख्याति प्रीमियम की राशि होगी सी रुपया चार हज़ार फोर राम एंड मोहन वे आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म मोहन विड्र्यू रुपीज़ फोर थाउजेंड फॉर हिज पर्सनल यूज ऑन फिफ्टी डे ऑफ ईच मंथ इंटरेस्ट ऑन मोहन्स टोटल ड्रॉइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर सिक्स डी सिक्स मंथ राम तथा मोहन के एक फर्म के साझेदार हैं प्रत्येक माह के पंद्रहें दिन मोहन अपनी व्यक्तिगत उपयोग के लिए रुपया चार हज़ार का आहरण करता था मोहन के कुल आहरण पर ब्याज की गणना की जाएगी डी छः महीनों के लिए फाइव Sanjana Riva and Maisa were partners in a firm with fixed capital of Rs. 10 lakh, Rs. 8 lakh and Rs. 6 lakh respectively. Sanjana retired on her retirement goodwill of the firm was valued at Rs. 60,000. The amount of goodwill that could be credited to Sanjana's capital account on her retirement will be B, Rs. 20,000. संजना रीवा तथा मायसा एक फर्म के साझेदार हैं उनकी अस्थायी पूंजी क्रमशः दस लाख रुपए, आठ लाख रुपए तथा छः लाख रुपए थी संजना ने अवकाश ग्रहण कर लिया उसके अवकाश ग्रहण करने पर फर्म की ख्याति का मूल्य साठ हज़ार रुपये था संजना के अवकाश ग्रहण करने पर उसके पूंजी खाते के जमा पक्ष में खतौनी की जाने वाली ख्याति की राशि होगी बी बीस हज़ार रुपये सिक्स एक्स लिमिटेड इनवाइटेड अप्लीकेशन फॉर इशूइंग टेन थाउजेंड इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज टेन ईच एप्लीकेशंस वेयर रिसिव्ड फॉर नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड शेयर द इशू विल बी कॉल्ड सी अंडर सब्सक्राइबड एक्स लिमिटेड ने दस रुपये प्रत्येक के दस हजार अंशों के निर्गमन के लिए आवेदन आमंत्रित किए नौ हज़ार आठ सौ अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए निर्गमन को कहा जाएगा सी न्यून अभिदत्त सेवन शेयर्स ऑफ टेन रुपीज़ टेन हैव बीन इशूड एट रुपीज एलेवन पर शेयर दिस शेयर विल बी कॉल्ड एज इशू एट बी प्रीमियम दस रुपये प्रत्येक के अंशों का निर्गमन रुपया दस प्रति अंश किया गया निर्गमित किया गया अंश को माना जाएगा बी प्रीमियम पर एट जेके लिमिटेड फॉर फिटेड हंड्रेड शेयर्स ऑफ रुपीज़ टेन ईज रुपीज एट कॉल्ड अप फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ़ द फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज़ टू पर शेयर द शेयर फोर्टिफाइड अमाउंट विल बी ए रुपीज सिक्स हंड्रेड जेके लिमिटेड ने दस रुपये प्रत्येक के सौ अंश जिस पर आठ रुपये प्रत्येक अंश मांगा गया था दो रुपये प्रत्येक अंश की प्रथम मांग का भुगतान न करने पर हरण कर लिया हरण राशि होगी ए छः सौ रुपये नाइन बाई लिमिटेड इशूड वन थाउजेंड नाइन परसेंट डिवेंचर ऑफ रुपीज हंड्रेड इच एट पर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ टेन परसेंट द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर विल बी बी रुपीज़ टेन थाउजेंड बी वाई लिमिटेड ने एक सौ रुपये प्रत्येक के एक हज़ार नौ प्रतिशत पत्रों का निर्गमन में पर किया इन पत्रों का शोधन दस प्रतिशत के प्रीमियम पर करना है ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि की राशि होगी बी दस हजार रुपये टेन स्टेट एनी थ्री परपजेज फॉर विच अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व कैन बी यूटिलाइज ऐसे किन्हीं तीन उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए जिनके लिए पूंजीगत संचय राशि का उपयोग किया जा सकता है ए इशू ऑफ बोनस शेयर्स बी राइटिंग ऑफ प्रीमिलरी एक्सपेंस सी राइटिंग ऑफ शेयर्स डिवेंचर्स इशू एक्सपेंसेज ए बोनस शेयर जारी करना बी प्रारंभिक व्यय लिखना सी शेयर डिफेंचर को लिखना खर्च जारी करता है अलेवन Give any 3 points of difference between fixed capital account and fluctuating capital accounts. अस्थाई पूंजी खाता तथा परिवर्तनशील Fixed 1 two separate accounts are prepared for each partner's capital and current. Fluctually 1 only one account of each partner that is capital account is prepared. 2 all adjustments are recorded in current accounts. Adjustments are recorded in capital accounts. थ्री द कैपिटल अकाउंट्स बैलेंस रिमेंस नॉर्मली अनचेंज फ्लक्चुएट्स फ्रॉम पीरियड टू पीरियड फोर कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस इट मे शो अ डेबिट बैलेंस आल्सो अस्थाई पूंजी खाता एक प्रत्येक भागीदार के लिए दो अलग अलग खाते तैयार किए जाते हैं पूंजी और चालू परिवर्तनशील पूंजी खाता एक प्रत्येक भागीदार का केवल एक खाता अर्थात पूंजी खाता तैयार किया जाता है दो सभी समायोजन चालू खातों में दर्ज किए जाते हैं समायोजन पूंजी खातों में दर्ज किए जाते हैं तीन पूंजी खाता से सामान्य रूप से अपरिवर्तित रहता है समय समय पर उतार चढ़ाव होता रहता है चार पूंजी खाता हमेशा एक क्रेडिट बैलेंस दिखाता है या एक डेबिट बैलेंस भी दिखा सकता है ट्वेल्व ब्रीफली एक्सप्लेन एनी थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वित्तीय विवरण तैयार करने के किन्हीं तीन उद्देश्यों को संक्षेप में समझाइए वन Ascertaining the results of business operations. Income statement seems to purpose of ascertaining the result of business operation. 2. Asserting the financial position. Financial statements show the financial position of the business concerned on a particular date, which is generally the last date of accounting period. Balance sheet is prepared for this purpose. 3. Source of information. Financial statements constitute an important source of information regarding finance of a business enterprise, which helps the finance manager to. टू प्लान द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड मेकिंग प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एक व्यवसाय संचालन के परिणामों का पता लगाना आय विवरण व्यवसाय संचालन के परिणामों का पता लगाने का उद्देश्य है दो वित्तीय स्थिति का पता लगाना वित्तीय विवरण एक विशेष तिथि पर व्यवसायिक प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है जो आमतौर पर लेखांकन अवधि की अंतिम तिथि होती है इसके लिए बैलेंस शीट तैयार की जाती है तीन सूचना का स्रोत वित्तीय विवरण एक व्यवसायिक उद्यम के वित्त के संबंध में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो वित्त प्रबंधन को व्यवसाय की वित्तीय गतिविधियों की योजना बनाने और धन का उचित उपयोग करने में मदद करता है थर्टीन ऑन वन वन टू थाउजेंड फिफ्टीन एक्स लिमिटेड परचेज मशीनरीज फॉर रुपीज़ टेन लैक एंड स्पेंट रुपीज़ टेन थाउजेंड ऑन इट्स कैरेज एंड रुपीज़ 19,000 for its installa installation. The company charged depreciation under 10% per annum on diminishing balance method starting from 1 2015. Prepare machinery account for five years. द कंपनी क्लोजेज इट्स बुक ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च एवरी ईयर एक्स लिमिटेड ने एक एक दो हज़ार पंद्रह को दस लाख रुपये की एक, एक मशनरी का क्रय किया तथा इस पर दस हज़ार रुपये भाड़ा तथा नब्बे हज़ार स्थापन व्यय हुआ कंपनी हासित शेष पद्धति के अनुसार दस प्रतिशत वार्षिक दर से मूल्यास लगाती है एक एक पंद्रह से आरंभ करके पाँच वर्षों के लिए मशीनरी खाता तैयार कीजिए कंपनी प्रतिवर्ष अपनी पुस्तकें इकतीस मार्च को बंद करती हैं पॉज द वीडियो एंड सी द एंसर वीडियो को रोकें और उत्तर को देखें फोर्टीन फ्रॉम द फॉलोइंग इफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल परचेज फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रिएटर एटी थाउजेंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल पेबल थर्टी थाउजेंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल पेबल ट्वेंटी थाउजेंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रिएटर वन लैख सिक्सटीन थाउजेंड कैश पेड टू क्रिएटर ड्यूरिंग द ईयर थ्री लैख सेवेंटी थाउज़ेंड बिल पेबल मेड ड्यूरिंग द ईयर नाइन्टी थाउजेंड परचेस रिटर्न टेन थाउजेंड कैश परचेस ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ क्रेडिट परचेज नियम सूचना से इकतीस दिसंबर 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कुल क्रय की गणना कीजिए लेनदारों का आरंभिक शेष अस्सी हज़ार देव विपृतों का आरंभिक शेष तीस हज़ार देव विपृतों का अंतिम शेष बीस हज़ार लेनदारों का अंतिम शेष एक लाख साठ हज़ार वर्ष में लेनदारों को नकद भुगतान तीन लाख सत्तर हजार वर्ष में देव प्रतो का भुगतान नब्बे हजार क्रय वापसी दस हजार नगद क्रय उधार क्रय का पच्चीस प्रतिशत पॉज द वीडियो एंड सी द एंसर वीडियो को रोकें और उत्तर देखें फिफ्टीन अजय एंड विजय वे पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ थ्री टू टू देर फ़िक्स्ड कैपिटल वेयर अज 5 lakh and vijay 4 lakh the partnership deed provided for the following a interest on capital at the rate 10% per annum b interest on drawing at the rate 6% per annum c monthly salary of rupees 10000 to ajay and half yearly salary of 50000 to vijay during the year ended 31st december 2020 the firm earned a net profit of ट्वेल्व लाख फिफ्टी थाउजेंड ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विद्रो रुपीज सिक्सटी थाउजेंड प्रीपियर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट ऑफ अजय एंड विजय अजय तथा विजय एक फर्म के साझेदार थे तथा तीन दो के अनुपात में लाभ हानि बांटते थे उनकी अस्थायी पूंजी अजय पाँच लाख तथा विजय चार लाख थी साझेदारी सालिंग में निम्न का प्रावधान था ए पूंजी पर दस प्रतिशत वार्षिक ब्याज बी आहरण पर छः प्रतिशत वार्षिक ब्याज को दस हजार मानसिक वेतन था विजय को पचास हजार छमाही वेतन इकतीस दिसंबर 2020 को समाप्त हुए वर्ष में फर्म ने बारह लाख पचास हजार का शुभ लाभ अर्जित किया वर्ष में प्रत्येक साझेदार ने साठ हजार का आहरण किया अजय था विजय का लाभ हानि विनियोजन खाता तैयार कीजिए पॉज द वीडियो एंड सी द एंसर वीडियो को रोकें और उत्तर को देखें सिक्सटीन गिव द मीनिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल स्टेट द पर्पजेज फॉर विच सिक्योरिटीज़ प्रीमियम मनी कैन बी यूटिलाइज उदाहरण सहित अंशों के प्रीमियम पर निर्गमन का क्या अर्थ है बताइए उन उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए जिनके लिए प्रतिभूति प्रीमियम राशि का उपयोग किया जा सकता है When shares are issued at a price more than their face value, these are said to have been issued at premium. For example, when a share of the face value of 10 is issued for 15, it is issued at a premium of 5. Purposes for which securities premium can be utilized 1. For issuing fully paid bonus share. 2. For writing of preliminary expenses discount on issue of debenture, writing of commission or expenses on issue. 3. Paying premium on redemption of preference shares or debentures. 4. Payback of shares. जब शेयर उनके अंकित मूल्य से अधिक कीमत पर जारी किए जाते हैं तो उन्हें प्रीमियम पर जारी किया जाता है उदाहरण के लिए जब 10 के अंकित मूल्य के शेयर 15 के लिए जारी किया जाता है तो इसे 5 के प्रीमियम पर जारी किया जाता है जिन उद्देश्यों के लिए प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग किया जा सकता है एक पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयर जारी करने के लिए दो प्रारंभिक खर्चों को बट्टे खाते में डालने के लिए डिवेंचर जारी करने पर छूट कमीशन को बट्टे खाते में डालना या जारी करने पर खर्च तीन वरीयता शेयरों का डिवेंचर के मोचन पर प्रीमियम का भुगतान करना चार शेयरों का भुगतान सेवेंटीन कुमार लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग फोर थाउजेंड नाइन परसेंट डिवेंचर ऑफ रुपीज हंड्रेड ईच एट अ प्रीमियम ऑफ टेन परसेंट द अमाउंट वाज पेएबल एज फॉलो ऑन अप्लीकेशन अलॉटमेंट रुपीज फिफ्टी ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस एप्लीकेशन फॉर फाइव थाउजेंड डिवेंचर्स वेयर रिसीव्ड डिवेंचर्स वेयर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो रेट बेसिस एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड टुवर्ड सम्स ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पास नेसेसरी जर्नल इंट्रीज फॉर द एव ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ कुमार लिमिटेड कुमार लिमिटेड ने सौ रुपये प्रत्येक के चार हजार नौ परसेंट ऋण पत्रों के निर्गमन के लिए आवेदन आमंत्रित किए जिन्हें दस परसेंट प्रीमियम पर निर्गमित किया जाना था राशि निम्न प्रकार से दे थी आवेदन तथा आवंटन पर पचास रुपये प्रथम तथा अंतिम याचना पर शेष पाँच हज़ार ऋण पत्रों के लिए आवेदन प्राप्त हुए सभी आवेदकों को अनुपातिक आधार पर पत्रों का आवंटन कर दिया गया अतिरिक्त आवेदन राशि का समायोजन प्रथम तथा अंतिम याचना पर देय राशि में कर लिया गया उपरोक्त लेन देन के लिए कुमार लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक रोजनमचा प्रविष्टियाँ कीजिए पॉज द वीडियो एंड सी द एंसर वीडियो को रोकें और उत्तर को देखें एटीन एस एम लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग एटी थाउजेंड इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़ टेन ईच द अमाउंट वॉज पेएबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन रुपीज़ टू पर शेयर ऑन अलॉटमेंट रुपीज़ थ्री पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस एप्लीकेशन ऑफ सेवेंटी एट thousand shares were received. Shares were fully allotted to all the applicant. Mohan has applied for five thousand shares. He paid his entire share money with application. Sohan to whom four thousand shares were allotted, failed to pay allotment and call money, his share were forfeited. पास नेसेसरी जर्नल इंट्रीज फॉर द एव ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ एस एम लिमिटेड एस एम लिमिटेड ने दस रुपये प्रत्येक के अस्सी हज़ार क्षमता अंशों के निर्गमन के लिए आवेदन आमंत्रित किए राशि निम्न प्रकार से दय थी आवेदन पर दो रुपये प्रति अंश आवंटन पर तीन रुपये प्रति अंश प्रथम तथा अं... अंतिम याचना पर शेष अठहत्तर हज़ार अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए तथा सभी आवेदकों को पूर्ण रूप से अंशों का आवंटन कर दिया गया मोहन ने पाँच हजार अंशों के लिए आवेदन किया उसने अपनी पूर्ण अंश राशि का भुगतान आवेदन के साथ कर दिया सोहन जिसे चार हजार अंशों का आवंटन किया गया था आवंटन राशि तथा प्रथम एवं अंतिम याचना राशि का भुगतान करने में असफल रहा उसके अंशों का हरण कर लिया गया उपरोक्त लेनदेन के लिए एसएम लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए पॉज द वीडियो एंड सी द एंसर वीडियो को रोकें और उत्तर को देखें नाइनटीन ए बी एंड सी वे आर पार्टनर्स इन अफॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ थ्री इज टू वन इज टू वन ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलो ऑन द एव डेट The firm was dissolved, the assets were sold and the liability were paid off as follows. 1. Debaters released 38,000 and stock was taken over by A at 20% less than book value. Two furniture was taken over by B for rupees six thousand and land and building was sold for rupees two lakh. Three, creditors were paid at a discount of one percent and bill payable were discharged at a rebate of ten percent. Four expenses of dissolution rupees टू थाउजेंड वेयर पेड बाई सी प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट ए बी और सी एक फर्म के साझेदार थे तथा तीन एक एक के अनुपात में लाभ हानि बांटते थे इकतीस मार्च दो हजार बीस को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार से था उपरोक्त तिथि को फर्म का विघटन हो गया संपत्तियों का विक्रय तथा देयताओं का भुगतान निम्न प्रकार से किया गया एक देनदारों से अड़तीस हज़ार रुपये प्राप्त हुए तथा स्टॉक को ए ने पुस्तक मूल्य के बीस प्रतिशत कम पर ले लिया बी दो बी ने छः हज़ार रुपये में फर्नीचर ले लिया तथा भूमि एवं भवन का विक्रय दो लाख रुपये में किया गया तीन लेनदारों का भुगतान एक परसेंट के बट्टे पर किया गया तथा देय बिलों का भुगतान दस प्रतिशत की छूट पर किया गया चार वसूली व दो हज़ार रुपये का भुगतान सी ने किया वसूली खाता सहेदारों के पूँजी खाते तथा बैंक खाता तैयार कीजिए पॉज द वीडियो एंड सी द एंसर वीडियो को रोकें और उत्तर को देखें ट्वेंटी वाई लिमिटेड इशू टेन थाउजेंड इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज हंड्रेड इज टू द प्रमोटर ऑफ द कंपनी कंपनी परचेज मशीनरी ऑफ ट्वेंटी लाख फ्रॉम जेड लिमिटेड द पेमेंट टू जेड लिमिटेड वॉज मेड एज फॉलोज वन Rupees 5 lakh by cheque, rupees 10 lakh by issue of equity share of rupees 10 each at premium of 25%, 3 balance by issue of 9% debenture of rupees 100 each at a premium of rupees 25 per debenture. Pass necessary journal entries for the above transaction in the books of Y Limited. वाई लिमिटेड ने सौ रुपये प्रत्येक के दस हज़ार क्षमता अंशों का निर्गमन अपने प्रवर्तकों को किया कंपनी ने जे लिमिटेड से बीस लाख की मिशनरी का क्रय किया जे लिमिटेड को निम्न प्रकार से भुगतान किया गया एक पाँच लाख रुपये चेक द्वारा दो दस लाख रुपये दस प्रति दस रुपये प्रत्येक के क्षमता अंशों को बीस पच्चीस प्रतिशत के प्रीमियम पर निर्गमित करके तीन शेष का भुगतान सौ रुपये प्रत्येक के नौ प्रतिशत ऋण पत्रों को पच्चीस रुपये प्रीमियम पर निर्गमित करके उपरोक्त लेन देन के लिए कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए पॉज द वीडियो एंड सी द एंसर वीडियो को रोकें और उत्तर को देखें ट्वेंटी वन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ एम एस यू प्रसाद प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी एंड द बैलेंस शीट एज़ ऑन दैट डेज Trial balance of MSU Prasad as on 31st March 2020. Additional information: One, stock on 31st March 2020 was rupees 26,000. Two, motor van is to be depreciated under 10%. Three, create a provision of 10% on debitors for bad and doubtful debts. Four, outstanding salary was rupees 3,000. एम एस शिव प्रसाद के निम्न तलपट से 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए व्यापार तथा हानि खाता तथा उसी तिथि को स्थित विवरण तैयार कीजिए 31 मार्च 2020 को एम एस का तलपट अतिरिक्त सूचना एक 31 मार्च 2020 को स्टॉक छब्बीस हज़ार रुपया था दो मोटर वैन पर दस प्रतिशत की दर से मूल्य लगता है तीन डूबत तथा संदिग्ध ऋणों के लिए देनदारों पर दस प्रतिशत प्रावधान बनाइए चार अदत वेतन तीन हजार रुपए था पॉज द वीडियो एंड सी द एंसर वीडियो को रोकें और उत्तर को देखें अकाउंटेंसी फरवरी दो के सॉल्व क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ संगम क्लब फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी एडिशनल इन्फॉर्मेशन वन द क्लब हैज एटी मेम्बर्स ईच पेइंग एन एनअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज टू ऑन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड नाइनटीन द क्लब हैड इक्विपमेंट्स Rupees two lakh and furnitures rupees one 50, 3. Charge depreciation under ten percent on equipment, including equipment purchased during the year. Four. Depreciate furniture by twenty percent. Five. Wages outstanding were rupees nine thousand. Six. Outstanding workshop expenses were rupees fourteen thousand. प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट इकतीस मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संगम क्लब का प्राप्ति तथा भुगतान खाता निम्न प्रकार से है अतिरिक्त सूचना एक क्लब के 80 सदस्य हैं तथा प्रत्येक सदस्य बारह सौ वार्षिक चंदा देता है दो एक अप्रैल 2019 को क्लब के पास दो लाख तीस हज़ार रुपये के उपकरण तथा एक लाख पचास हज़ार रुपये का फर्नीचर था तीन वर्ष में क्रय किए गए उपकरणों सहित उपकरणों पर दस प्रतिशत मूल्य हास लगाना है चार फर्नीचर पर बीस प्रतिशत मूल्य हास लगाना है पाँच अदत मजदूरी नौ हज़ार रुपये थी छः अदत कार्यशाला व चौदह हजार रुपये थे इकतीस मार्च दो हज़ार बीस को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय तथा व्यय खाता तथा उसी तिथि को स्थिति विवरण तैयार कीजिए Pause the video and see the answer. Video ko roke or uttar ko dekhen 22. X and Y were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3 is to 2. On 31st March 2020, their balance sheet was as follows on 1st april 2020 zed was admitted as a new partner for one -fifth share in the profit on the following terms 1z will bring rs 1 lakh as his capital and rs 20 thousand for his share of goodwill premium 2 rupees 2000 of the creditor were not likely to claim 3 there was no liability for workmen compensation 4 provision for bad debt was to be raised to rupees 8000 and stock was to be depreciated by rupees 5000 5 furniture and machinery was to be depreciated by 10% and land and building was to be appreciated by rupees 20000 prepare revaluation account partners capital accounts and the balance sheet of the रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एक्स एंड वाई एक फर्म के साझेदार थे तथा तीन दो के अनुपात में लाभहानि बांटते थे इकतीस मार्च दो हज़ार बीस को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार से था एक अप्रैल दो हज़ार बीस को उन्होंने लाभ के एक बटा पाँच भाग के लिए जेड को निम्न शर्तों पर एक नए साझेदार बनाया एक जेड अपनी पूँजी के लिए एक लाख रुपये तथा ख्याति प्रीमियम के अपने भाग के लिए बीस हजार रुपया लगाएगा दो दो हज़ार रुपये के लेनदार दावा नहीं करेंगे तीन कामगार क्षतिपूर्ति की कोई देयता नहीं थी चार डूबत ऋणों के लिए प्रावधान को आठ हज़ार रुपये तक बढ़ाना तथा स्टॉक पर पाँच हज़ार रुपये का मूल्यह्रास लगाना था पाँच फर्नीचर तथा मशीनरी पर दस प्रतिशत मूल्य लगाना था तथा भूमि तथा भवन को बीस हज़ार रुपये से बढ़ाना था पुनर्मूल्यांकन खाता साझेदारों के पूँजी खाते तथा पुनर्गठित फर्म का स्थिति विवरण तैयार कीजिए Pause the video and see the answer. Video ko roke or uttar ko deke. Ajay Vijay and Kamal were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2 is to 1 is to 1. On 31st March 2020, their balance sheet was as follow on 1st April 2020, Ajay retired and the following was agreed upon. 1. Goodwill of the firm was valued at Rs 2,40,000. Ajay's share of the same was adjusted through the capital accounts of Vijay and Kamal. 2. Liability towards work, workmen compensation fund was estimated at Rs 20,000. 3. Provision for bad debt was to be increased by Rs 10,000 and stock was to be reduced to Rs. 70,000. 4. टेन परसेंट डिप्रिसिएशन वाज टू बी चार्ज ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी अप्रिसिएटेड बाई रुपीज़ फिफ्टी थाउजेंड प्रिपेयर रिव्यू एलुएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म अजय विजय तथा कमल एक फर्म के साझेदार थे तथा दो एक एक के अनुपात में लाभ हानि बांटते थे इकतीस मार्च दो हज़ार बीस को उनका स्थिति प्रकार से था एक अप्रैल 2020 को अजय ने अवकाश ग्रहण किया तथा निम्न पर सहमति हुई एक फर्म की ख्याति का मूल्यांकन दो लाख चालीस हज़ार रुपये तथा इसमें से अजय के भाग का समायोजन विजय तथा कमल के पूंजी खातों के माध्यम से किया जाएगा दो कामगार क्षतिपूर्ति की देयता का अनुमान बीस हज़ार रुपये लगाया गया तीन डूबत ऋणों के लिए प्रावधान को दस हज़ार रुपये बढ़ाना तथा स्टॉक को सत्तर हज़ार रुपये तक कम करना था चार फर्नीचर तथा मशीनरी पर दस प्रतिशत मूल्यहास लगाना था तथा भूमि तथा भवन को पचास हजार रुपये बढ़ाना था मूल्यांकन खाता साझेदारों के पूंजी खाते तथा पुनर्गठित फर्म का स्थिति विवरण तैयार कीजिए पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर वीडियो को रोकें और उत्तर को देखें सेक्शन बी ऑप्शन वन ट्वेंटी थ्री लिस्ट एनी टू आइटम्स दैट आर प्रेजेंटेड अंडर द हेडिंग फिक्स्ड एसेट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी किसी कंपनी की स्थिति विवरण में स्थायी परिसंपत्तियों के अंतर्गत दर्शाई जाने वाली किन्हीं दो मदों की सूची दीजिए फिक्स्ड एसेट्स वन टेंजिबल एसेट्स टू इनटेंजिबल एसेट्स अचल संपत्ति एक मूर्त संपत्ति दो अमूर्त संपत्ति ट्वेंटी फोर ब्रीफली एक्सप्लेन द इंटरेस्ट ऑफ़ मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टर्स इन द एनाइसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वित्तीय विवरण विश्लेषण में प्रबंधन तथा निवेशकों के हित को संक्षेप में समझाइए Interest of management The management is interested in the analysis of financial position and the performance of the enterprise as a whole and of its various divisions. It helps them in preparing budgets and assessing the performance of various departmental heads. Interest of investors Shareholders or proprietors of the business are interested in the well being of the business. They like to know the earning capacity of the business and its prospectus of future growth. प्रबंधन की रुचि प्रबंधन वित्तीय स्थिति के विश्लेषण और उद्यम के समग्र रूप से और इसके विभिन्न प्रभागों के प्रदर्शन में रुचि रखता है यह उन्हें बजट तैयार करने और विभिन्न विभागीय प्रमुखों के प्रदर्शन तक पहुँचने में मदद करता है निवेशकों का हित व्यवसाय के शेयर धारक या मालिक व्यवसाय की भलाई में रुचि रखते हैं वे व्यवसाय की कमाई क्षमता और भविष्य के विकास की इसकी प्रॉस्पेक्टस जानना पसंद करते हैं ट्वेंटी फाइव एक्सप्लेन एनी फाइव एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस अनुपात विश्लेषण के किन्हीं पाँच लाभों को समझाइए वन यूजफुल इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू यूजफुल इन सिंप्लीफाइंग अकाउंटिंग फिगर्स थ्री यूजफुल इन जगजिंग द ऑपरेटिंग इफिशेंसी ऑफ द बिजनेस फोर यूजफुल फॉर फॉरकास्टिंग फाइव यूजफुल इन लोकेटिंग द वीक स्पॉट्स एक वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में उपयोगी दो लेखांकन के आंकड़ों को सरल बनाने में उपयोगी तीन व्यवसाय की परिचालन दक्षता को आंकने में उपयोगी चार पूर्वानुमान के लिए उपयोगी पाँच कमजोर स्थानों का पता लगाने में उपयोगी ट्वेंटी सिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑप्टेंड फ्रॉम द बुक्स ऑफ केयर लिमिटेड कैलकुलेट वन डेप्ड इक्विटी रेशियो एंड टू प्रोपरेटरी रेशियो इन्फॉर्मेशन इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीस फाइव लैख प्रिफ्रेंस शेयर कैपिटल रुपीस थ्री लैख Reserve and surplus rupees fifty thousand. Nine percent debentures rupees four lakh. Creators rupees one 60, 000, And debaters look rupees two lakh. केयल लिमिटेड की पुस्तकों से प्राप्त निम्न सूचना से निम्न अनुपातों की गणना कीजिए एक ऋण समता अनुपात तथा दो स्वामित्व अनुपात सूचना समता पूंजी पाँच लाख रुपये पूर्वाधिकार अंशपूजी तीन लाख रुपये संचय एवं अधिक्य पचास हज़ार रुपये नौ प्रतिशत पत्र चार लाख रुपये लेनदार एक लाख साठ हज़ार रुपये तथा देनदार दो लाख रुपये पॉज़ द वीडियो एंड सी द एंसर वीडियो को रोकें और उत्तर को देखें ट्वेंटी सेवन फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एस वाई लिमिटेड एज एट थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट नोट्स टू अकाउंट एडिशनल इंफॉर्मेशन रुपीज टू लैख टेन परसेंट डिवेंचर्स वेयर इशूड ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी इकतीस मार्च दो हजार बीस को एस वाई लिमिटेड के निम्न स्थिति विवरण से रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार कीजिए खातों के नोट्स अतिरिक्त सूचना दो लाख रुपये दस प्रतिशत पत्रों का निर्गमन इकतीस मार्च 2020 को किया गया पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर। वीडियो को रोकें और उत्तर को देखें ऑप्शन टू ट्वेंटी थ्री व्हाट इज मिंट बाई रीसाइजिंग ऑफ चार्ट चार्ट का आकार बदलने का क्या अर्थ है रीसाइजिंग ऑफ चार्ट मीन्स चेंजिंग द साइज ऑफ अ चार्ट एज डिजायर्ड चार्ट का आकार बदलने का अर्थ है चार्ट के आकार को इच्छा अनुसार बदलना ट्वेंटी फोर ब्रीफली डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ डेटा टेबल्स यूज इन एक्सेल एक्सेल में उपयोग की जाने वाली डेटा सारणी के प्रकारों का वर्णन कीजिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टेबल्स वन वन वेरिएबल टेबल एंड टू टू वेरिएबल टेबल वन फार्मूला यूज इन वन वेरिएबल डेटा टेबल मस्ट रिफर टू एन इनपुट सेल्स द इनपुट सेल्स इज़ अ सेल्स यूज बाई एक्सल इन विच इच इनपुट वैल्यू फ्रॉम अ डेटा इज सेप्टुटेड टू वेरिएबल डेटा टेबल यूज वनली वन फार्मूला विद टू लिस्ट ऑफ इनपुट वैल्यूज द डेटा मस्ट रिफर टू टू डिफरेंट इनपुट सेल्स डेटा टेबल दो प्रकार के होते हैं एक एक चर तालिका और दो चर तालिका एक एक चट डेटा तालिका में प्रयुक्त सूत्र को एक इनपुट सेल को संदर्भित करना चाहिए इनपुट सेल एक्सेल द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक सेल है जिसमें डेटा से प्रत्येक इनपुट वैल्यू को प्रतिस्थापित किया जाता है दो दो चट डेटा तालिका इनपुट मानों की दो सूचियों के साथ केवल एक सूत्र का उपयोग करती है डेटा को दो अलग अलग इनपुट सेल को संदर्भित करना चाहिए ट्वेंटी फाइव एक्सप्लेन द एलिमेंट्स यूज इन पे रोल कैलकुलेशंस पेरोल गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले घटकों को समझाइए वन बेसिक पे ऑन टू डियरनेस एलायस थ्री ट्रांसपोर्ट एलायंस फोर टोटल अर्निंग्स फ़ाइव प्रोविडेंट फंड सिक्स टैक्स डिडक्शन एट सोर्स सेवन रिकवरी ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट्स एट टोटल डिडक्शन नाइन नंबर ऑफ इफेक्टिव डेज प्रेजेंट टेन नेट सैलरी एक अर्जित मूल वेतन दो महंगाई भत्ता तीन परिवहन भत्ता चार कुल कमाई पाँच भविष्य निधि छः स्रोत पर कर कटौती सात ऋण किस्तों की वसूली आठ कुल कटौती नौ वर्तमान प्रभावी दिनों की संख्या दस शुद्ध वेतन ट्वेंटी सिक्स एक्सप्लेन द स्टेप्स टू क्रिएट टेबल्स इन एक्सेस एक्सेस में सारणी सृजन के चरणों को समझाइए फॉलो द फॉलोइंग स्टेप टू क्रिएट टेबल्स इन एसेस वन क्लिक एट टेबल्स ऑब्जेक्ट ऑफ एसेस फॉलोड बाई डबल क्लिक एट क्रिएट टेबल बाई डिज़ाइन व्यू और टेबल विंडो एफियर्स विच हैज़ थ्री कॉलम्स फील्ड नेम डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन टू वंस द डेटा टाइप इज स्पेसिफाइड एसेस अलाउज डिज़ाइनर टू डिफाइन प्रॉपर्टीज ऑफ ईच कॉलम एक्सेस में टेबल बनाने के लिए निम्न चरणों का पालन करें एक एक्सेस के टेबल ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें और उसके बाद डिजाइन व्यू द्वारा टेबल बनाए पर डबल क्लिक करें एक टेबल विंडो दिखाई देती है जिसमें तीन कॉलम होते हैं फील्ड का नाम डेटा प्रकार और विवरण दो एक बार डेटा प्रकार निर्दिष्ट हो जाने पर एक्सेस डिजाइनर को प्रत्येक कॉलम के गुणों को परिभाषित करने की अनुमति देता है 27. सेवन डिस्क्राइब द एडवांटेजेस इन यूजिंग ग्राफ्स एंड चार्ट्स ग्राफ तथा चार्ट के उपयोग के लाभों का वर्णन कीजिए एडवांटेजेस इन यूजिंग ग्राफ्स एंड चार्ट्स वन हेल्प टू एक्सप्लोर टू हेल्प टू प्रेजेंट थ्री हेल्प टू कन्विंस ग्राफ और चार्ट का उपयोग करने में लाभ एक एक्सप्लोरर करने में मदद दो प्रस्तुत करने में सहायता तीन समझाने में मदद सी लिंक एट डिस्क्रिप्शन फॉर फरवरी 2021 सॉल्व क्वेश्चन पेपर ऑफ़ 320 ट्वेंटी अकाउंटेंसी